हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द बिटकॉइन बर्नर। तो यार आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिपल XRP टोकन के बारे में। तो यार बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है इस वीडियो के थ्रू, मैं वो सब आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। और थोड़ा पॉजिटिव कम्युनिटी का बहुत पॉजिटिव रश देखने को मिल रहा है हमें XRP के ऊपर, वो भी उसके ऊपर यार बात करनी जरूरी बन जाती है। तो यार इस वीडियो में मैं वो सब चीजों को कवर करने वाला हूँ। आप सबको एक रिक्वेस्ट है, बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, XRP की सबसे पहले करंट वैल्यू देख लेते हैं। हम करंट वैल्यू थोड़ा ऊपर जाकर हम देखते हैं तो करंट वैल्यू हमें देखने को मिल रही है 60 सेंट्स, जो कि काफी ज्यादा अच्छी वैल्यू अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत ज्यादा जब XRP पर केस हुआ था तब वो 20-30 सेंट्स के नीचे डिक्लाइनेशन पीरियड बहुत ज्यादा गंदा आया था। अगर हम बात कर ले तो यार एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है। नो डाउट एक र्यूमर्ड है, एक अफवाह सी है, पर यार बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी चीजें शो हो रही हैं। क्योंकि XRP अगर हम बात करें कि भाई कॉइन बेस बैक चैनल्स की इसलिए कोशिश कर रहा है कि रिलिस्ट कर ले XRP को फिर से अपने प्लेटफॉर्म पे, तो आप सबको पता होगा कॉइन बेस बहुत ज्यादा बड़ी एक्सचेंज है। अगर ये होता है तो यार आपको फिर से करंट बहुत ज्यादा राइज देखने को मिल सकती है XRP के प्राइस में, क्योंकि कॉइन बेस इफेक्ट हमें पहले भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर देखने को मिला है। अगर हम बात कर ले भाई, एक छोटा सा ट्वीट है, नो डाउट ये हम कह नहीं सकते कि 100% सर्टेन है कि नहीं है, क्योंकि कोई ऑथेंटिक न्यूज ये है नहीं, नो डाउट रूमर्ड है। और रियलिस्ट XRP बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं हम, ट्रेंड मार रहा था ट्विटर पे। अगर मैं बात करूं बहुत दिनों पहले, अगर मैं बात करूं तो अब रियलिस्ट XRP ट्विटर पे ट्रेंड मारना शुरू हो गया है। जो कम्युनिटी है XRP की यार, वो अब कोशिश कर रही है कि यार हम एक कम्युनिटी बैकिंग प्रोवाइड कराएं, पुश प्रोवाइड करें XRP को। और हमें देखने को मिल रहा है कि रियलिस्ट XRP जैसे टैग्स अब ट्रेंड मार रहे हैं ट्विटर पे, जो कि यार पॉजिटिव न्यूज है। नो डाउट कि ये अभी 100% सर्टेन नहीं है, क्योंकि कॉइनबेस ने ऑफिशियली कुछ बोला नहीं है। अब देखना होगा, अगर कॉइनबेस ऑफिशियली बोलता है और बाकी एक्सचेंजेस भी ऑफिशियली बोलती है, जिन्होंने अगर हम बात करें XRP रिपल की एक्सचेंजेस पे बैन लगाया था या फिर डीलिस्ट कर दिया था, तो एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन होगा। और नजर आ रहा है कि यार अब XRP के ऊपर जो SEC का स्ट्रॉन्ग होल्ड था केस का, वो SEC के हाथों से छूटता हुआ निकल के आ रहा है। अगर हम बात करें एक और जो केस के रिलेटेड न्यूज निकल के आ रही है, थोड़ा ऊपर लेके जाना चाहूंगा आपको, मैं हेडलाइन पढ़ा देता हूँ। कोशिश करूंगा वीडियो को काफी सिंपल रखो, इतना मुश्किल ना रखो, छोटी रख के ना आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। तो यार SEC ने एग्री कर दिया कि वो रिडेक्ट कर देंगे 2 डॉक्यूमेंट्स को रिपल के लॉ सूट के ऊपर, बट जो रिपल के SEC के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हैं, जो मेल्स हैं, जो 4 डॉक्यूमेंट्स के मेल्स हैं, उनको वो नहीं करने वाले। और डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे आप जाके देख भी सकते हो, बेसिकली ये चीज इस चीज की बात हो रही है यहाँ पे कि जो मेन मेन पोर्शंस हैं उनको कट ऑफ कर दिया गया है। और बहुत मतलब 500 वर्ड्स में से 450 वर्ड्स खा गए हैं और ब्लैक डैक कर दिया। उसके बाद जो चीजें शो करनी है वो सब वो शो कर रहे हैं बेसिकली। पर मैं इससे ज्यादा ध्यान आपका कमेंट सेक्शन में लेके जाना चाहूंगा, जो ट्विटर पे इस ट्वीट के ऊपर आए हैं कि अगर ये सारे मूव हैं SEC के पास, ये ट्रम्प कार्ड हैं, तो SEC बहुत ज्यादा स्क्रूड है। तो इससे मैं ना एक चीज बताना चाहूंगा, बेसिकली कम्युनिटी बैकिंग देखने को मिल रही है हमें SEC के ऊपर, कम्युनिटी बैक माफ कीजिएगा रिपल के ऊपर। और SEC के ऊपर यार काफी नेगेटिव रिमार्क्स अब जो पब्लिक है वो भी बोलना शुरू हो गई, क्योंकि यार वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि यार कुछ क्लियर नहीं किया जा रहा, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ आगे ज्यादा बढ़ नहीं रही है, बस आप लगे हुए एक दूसरे से लड़ने में। वो सारी चीजें हमें देखने को मिली और आपको पता होगा कि यार बहुत ज्यादा अब जो CEO हैं रिपल के, उन्होंने भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव ही तरीके से लड़ा है अपना केस। अगर हम बात करें, उन्होंने कहा है कि यार हम ऐसे तो नहीं हार मानने वाले। अगर मैं सिंपल कोशिश करूं तो उनके जवाब भी बहुत अच्छे रहे कि यार अगर आप बाकी क्रिप्टो करेंसी को करेंसी ट्रेड करते हैं तो हमें एज ए सिक्योरिटी क्यों ट्रीट करें, ये सब भी उन्होंने बोला। जिसके बाद एक पॉजिटिव ग्रोथ हमें देखने को मिली। अगर हम बात करें रिपल की, यार अगर एक चीज आपको मैं दिखाना चाहूंगा, एक और आर्टिकल मैं पढ़ रहा था तो ये भी मेरे नजरों के सामने आया और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि XRP वर्थ मोर टुडे देन बिफोर SEC लॉ सूट फाइल अगेंस्ट रिपल। सो बेसिकली कहना क्या चाहते हैं इस आर्टिकल में, आपको ये चीज दिखाना चाहूंगा। जब आर्टिकल उनके ऊपर एक लॉ सूट फाइल हुआ था पिछले साल, तो हमें देखने को मिला था 2020 अगर हम बात करें 18 दिसंबर को जब हमें ये फाइल हुआ था, तो उसके बाद एक बहुत ज्यादा डिक्लेनेशन पीरियड हमें देखने को मिला था और बहुत ज्यादा वैल्यू गिर गई थी, 22-23 सेंट्स पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद जब केसेस हुआ, सवाल जवाब हुए, जब रिपल के CEO ने अपने आंसर्स किए, उसके बाद एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला था। उसके बाद भी डिक्लेनेशन पीरियड आया, यहाँ पर आप ग्राफ के थ्रू अच्छे से देख सकते हैं। पर अगर हम पिछले 15 दिन की बात करते हैं रिपल, 15-20 दिन की हम बात लेके चले, एक हम सैंपल साइज लेके चलते हैं 15 दिन का, हमें देखने को मिला एक सडन इंप्रूवमेंट देखने को मिली है प्राइस में। 24 आवर्स में 6% का डिक्लाइन देखने को मिला है। और तो यार ये भी जरूरी है, पर अगर हम ओवरऑल देखें तो XRP ने अपनी वैल्यू को होल्ड करना शुरू किया है
और जब ये डिक्लिनेशन पीरियड आया था, तो मैं आपको दिखाना फिर से चाहूंगा एक बार 18 दिसंबर के, उसको फिर से दिखाना चाहूंगा। तो जो XRP थी वो ट्रेड कर रही थी 50-60 सेंट्स के नीचे, और करंट की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा 60 सेंट्स का ऑलमोस्ट उसने छोड़ लिया। अगर हम बात करें 24 आवर हाई भी 64 सेंट्स चल रहा है। तो ये सारी चीजें यार इंपॉर्टेंट भी है, मतलब थोड़ा पॉजिटिव है नो डाउट। एक अगर हम बोले तो बैड पब्लिसिटी इज ऑल्सो गुड इज ऑल्सो पब्लिसिटी अगर हम बात करें तो ये इसका इम्पैक्ट लॉन्गर रन XRP के ऊपर देखने को आपको मिल सकता है नो डाउट। अब क्या होता है, केस का क्या बनना है यार, वो तो यार उनके लॉ के हाथ में है, वो हम अजम्पशंस नहीं बना सकते। अब उस कोर्ट रूम में बैठ के क्या चल रहा है, उनके लॉयर्स क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ वही जानते हैं और उनका लॉ सिस्टम जानता है। हम ये कोशिश कर सकते हैं कि यार हम बस देख सकते हैं। मैं बस यही कहूंगा कि यार XRP को आप होल्ड कर सकते हो इन लॉन्गर रन में, अगर अगर कॉइनबेस वापस रिलिस्ट करता है या फिर केस जीतते हैं तो आपको एक सडन राइज देखने को मिल सकता है, एक प्रॉफिटेबल पीरियड सिनेरियो देखने को मिल सकता है XRP की प्राइसेस में। बाकी यार इन लॉन्गर रन क्या होना है वो फ्यूचर के हाथ में है। मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो होने की मेरे को 100% सर्टेन हूँ कि मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है। मैं पूरे पूरे अच्छे से सर्च करता हूँ, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता हूँ, फिर एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको जितने भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो इजिली मिल जाए और इजी लैंग्वेज में मिल जाए। अब यार यहाँ तक वीडियो देख लिया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपने थॉट्स दो। आपको क्या लगता है भाई क्या होने वाला है XRP का? मुझे जितना लगता है यार SEC का, एक जितना मैंने पढ़ा है ऑनलाइन, जितना भी डॉक्यूमेंट हमें अवेलेबल होते हैं, तो SEC का एक होल्ड जो स्ट्रांग होल्ड था वो लूज होता हुआ नजर आ रहा है केस के ऊपर से। अब देखते हैं यार ये 1.3 बिलियन का जो लॉ सूट है कितनों को पैसा कमा के देता है, कितनों को नुकसान में लेके जाता है, वो तो यार जब केस का रिजल्ट आएगा वही पता चलेगा। यहां तक थी मेरी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार एक और छोटा सा काम कर दो, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा के यार ऑल कर दो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मोटिवेशन मिलती है हमें और वीडियो बनाने की। अब यार यहां तक वीडियो देख लिया तो यार जरूर करना, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक ले आप सब अपना ख्याल।